2 से 3 दिन में माशाल्लाह जो आपकी टमी होगी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो इसमें जाएगी। विटामिन्स भी बहुत होते हैं। हाँ बड़े बूढ़े जो भी खाएं बिल्कुल तदाद में खाएं, लेकिन हाँ खाएं जरूर। और बस साथ साथ ये भी किया करें, साथ साथ सफाई भी करते रहा हाय करें देखें जरा किचन की, वरना ये होता कुछ लोग मेस किचन। घर वाले भी खुश, जो बहुएं होती हैं उनकी नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। हम लोग वापस आ चुके हैं और शेफ नौरीन से हमने पूछा था कि वो बना रही हैं क्या, उन्होंने बनाकर दिखाई बड़ी मजे की फ्रेंच फ्राइज, मयो फ्रेंच फ्राइज, जो कि सबकी हर दिल अजीज होती हैं, लोग बहुत लुत्फ़अंदोज होते हैं खाकर। तो आप इतने अच्छे अच्छे खाने वैसे बना कैसे लेती हैं, आपस की बात है शेफ है यार, शेफ होते हैं बहुत से लोग होते हैं, मैंने हाँ। बहुत से लोगों के हाथ का खाना खाया है, लेकिन जो लज्जत, जो मोहब्बत, जो क्या बोलते हैं उसको, या मैं बताऊं मेरी एक ही बात है, अगर आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, तो खाना भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं और कोई कोई चीज सोचों में गुम है, कुछ स्ट्रेस लिया हुआ है, तो आपका खाना भी वैसे ही बनेगा। जैसे हमारी बहनें घर में कभी अच्छे मूड में होती है तो मजे का खाना बनता है। एग्जैक्टली, आपका मूड खराब हो या कोई बस वो ऐसे ही वो मजेदारी, आप खुद एक्टिव हो, फ्रेश हो, एनर्जेटिक हो, तो हर चीज अच्छी बनती है। तो देखिए ना, खुशी फिर कितना मैटर करती है आपकी। एग्जैक्टली, खाना बनाना भी जो है वो आपकी खुशी से रिलेट करता है। अगर आप खुश होते हैं तो मुस्कुरा रहे होते हैं, जैसे कि मुस्कुराती सुबह आपको सिखाता है कि मुस्कुराइए। मैं शो का अपना नाम हमेशा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छी बेस्ट नेम है हमारे शो का, मुस्कुराती सुबह। तो आप जब मुस्कुराते हैं, अच्छे अच्छे से बातें करते हैं, आपका मूड अच्छा होता है, तो खाना भी अच्छा बनता है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और क्या? कैसे होगा, आप हमारा शो देखे ना, हमारा शो देखे सुबह 10 से 12 और फिर मुस्कुराए, मुस्कुराएंगे भी, हंसेंगे भी, हंसेंगे भी, क्योंकि मेरी बातें होती है बहुत ही दिलचस्प। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो, मैं तो यहाँ जैसी एंटर होती हूँ तो मेरी तो सिर्फ हंसियां ही होती। माशाल्लाह इतना बड़ा कहका लगाती है जब मैं कोई जोक सुनाती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे यकीन है आप लोग भी मुझे देख के बहुत इंजॉय करते होंगे, बहुत मजे मजे की मैं बातें करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन साथ साथ बताते चलूँ, हमारा जो शो होता है डेली यूट्यूब पे अपलोड होता है, आप लोग जाके देख सकते हैं मुस्कुराती सुबह विद कहकशा फैसल। अपने यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आपको आ जाएगा शो। एक हफ्ता गुजर चुका है और ये दूसरा हफ्ता स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह ऐसे ही हम सालों शो करते रहे आप लोगों के साथ। शेफ नौरीन सब्सक्राइब कर लें, वो खुद ही बेल बज जाएगी, आपको शो मिलना नजर आ जाएगा, आपको शो दिख जाएगा, फिर आपको मतलब लाइव भी देखें। हाँ लाइव भी देखें, और अगर ज्यादा मुझसे मोहब्बत हो गई है तो यूट्यूब पे भी देखें, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे भी बताना जरूरी है, क्योंकि यार वहाँ पे भी मतलब एक अपनी अलग फॉलोइंग होती है, लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहन ऐसी होती हैं जो सुबह मॉर्निंग शो हमारा नहीं देख पाते, नहीं देख पाते, और बहुत से लोग जो है वो कमर्शियल की वैसे भी नहीं देख पाते। एग्जैक्टली, ये है कि यूट्यूब पे देखें, मजेदार मजे मजे के शो लाते हैं हम, शेफ नौरीन आपके लिए बनाती हैं डेली बहुत ही अच्छे खाने,
इतने मजे के खाने बनाती हैं, और जो इनके हाथ का मीठा होता है ना, वो एक ही खाया है मैंने एक दफा। अब दोबारा से इनसे मैं कल मैं बनाती हूँ, चले शाही टुकड़े बनाती हूँ कल जी, शाही टुकड़े। हाँ कल शाही टुकड़े बनाती हूँ। वेरी नाइस, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगे। वेरी नाइस, ये बनाते हैं महाराजा शाही टुकड़े। अरे वाह महाराजा। हाँ वेरी नाइस। अदील भाई मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही दोबारा से। अच्छा 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 जी, इसी के साथ साथ जुदाई की घड़ियां आ चुकी हैं शेफ नौरी। अच्छा चले कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे। कल फिर मिलेंगे, लेकिन हाँ। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ शेफ का ये सेगमेंट, मुझे बहुत मजा आता है। सीरियसली ये मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपके मजे मजे के खाने खा के। और इसी तरह से हमारा शो बहुत जल्दी से गुजर जाता है, आज भी गुजर गया, टाइम का पता ही नहीं चला। बस क्या, बस एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे, खुश रहे, और खाने भी अच्छे बनेंगे जी। तो शेफ नौरीन ने मौसम को एंजॉय करें, मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि मौसम है बहुत ही ऑसम। मौसम को एंजॉय करेंगे तो आपको मजा आएगा। और शेफ नौरीन से अलविदा का वक्त हो चुका है, क्या हम ब्रेक पे जा रहे हैं? ओके, तो इसी के साथ साथ हम दोबारा से ब्रेक पे जा रहे हैं, और जब आएंगे तो हमारे साथ दूसरे गेस्ट होंगे, आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, मिलवाऊंगी, और करेंगे बहुत सारी बातें। देखते रहिएगा मुस्कुराती सुबह।